हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं TMU, दैट इज़ तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की, जो कि मुरादाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। तो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, PhD के लिए अनाउंसमेंट की गई है फॉर एप्लीकेशंस। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट्स में फार्मेसी भी है। तो देखिए, आप लोग डिफरेंट सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज सारी यूनिवर्सिटीज़ को बताना कि किस सब्जेक्ट में कहाँ पे PhD अवेलेबल है ये, या अवेलेबल होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर ईयर आपको सेम सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिनस में फॉर्म मिले, राइट? और इनफैक्ट ये भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हर एक यूनिवर्सिटी में पता कर पाना कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा नहीं। इसलिए हमेशा से मेरी अप्रोच यूनिवर्सिटी वाइज रही है कि जिस भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म आए हैं, उनके एडवर्टीज़मेंट के अकॉर्डिंग जिस भी पर्टिकुलर सेशन के वो फॉर्म्स हैं, उस सेशन में किन किन डिसिप्लिनस में अवेलेबिलिटी है सीट्स की या सब्जेक्ट्स की, राइट? तो इसीलिए सब्जेक्ट वाइज अप्रोच मेरा नहीं रहा है, ठीक है? तो इसीलिए आपको कमेंट में मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप प्लीज़ जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के उस, या तो आप खुद से इंफॉर्मेशन ब्रोशर देख सकते हैं, लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, या फिर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? उसमें सब्जेक्ट मैं यूजुअली बताती हूँ। ऐसा बहुत कम होता है कि सब्जेक्ट ना दिया हो या ना बताया हो, राइट? तो anyways, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक या दिस यूनिवर्सिटी, सो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है। आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ tmu.ac.in। देन आप स्क्रॉल कर सकते हैं, यहाँ अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है जिसपे आपको जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट अभी देखने को मिलेगी वो PhD की ही है। सो यस, वेट। सो यस, ये देखिए, आप स्क्रॉल कीजिएगा, एंडिंग में है ऑलमोस्ट, ठीक है? सो लेटेस्ट अनाउंसमेंट में एडमिशन नोटिस फॉर PhD प्रोग्राम July 2021, इसी को हमें ओपन करना है, ठीक है? और यहाँ पे अगेन यू कैन सी सेम चीज़ है, एडमिशन नोटिस फॉर PhD प्रोग्राम, एंड देन यहाँ पे व्यू मोर लिखा हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं एंड फ्लायर है उसी को देखते हैं। सो यस, ये है वो फ्लायर या पोस्टर है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये सबसे पहले डिसिप्लिनस दिए हुए हैं, सो जिन जिन डिसिप्लिनस में अवेलेबल हैं सीट्स या एडवर्टीजमेंट की गई है जिन जिन डिपार्टमेंट्स की तरफ से। सो एलाइड हेल्थ साइंसेज है, जिसमें मेडिकल में एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी है एंड फार्मेकोलॉजी है, राइट? देन नेक्स्ट इज अप्लाइड साइंसेज, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है। देन नेक्स्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन डेंटल साइंसेज, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में CSE है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, सिविल है एंड इलेक्ट्रिकल है, राइट? फिर है फाइन आर्ट्स, फिर है जेनोलॉजी मैनेजमेंट, देन नेक्स्ट है मेडिकल साइंसेज फॉर MD MS या इक्विवेलेंट, देन पैरामेडिकल है, फार्मेसी है एंड फिजिकल एजुकेशन भी है, ठीक है? सो बाकी सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं है। क्राइटेरिया में हम अभी ऑर्डिनेंस को देखेंगे, उसमें हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे नहीं लिखा है प्रोसेस क्या है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, यू हैव टू अपीयर या दे हैव टू अपीयर इन द TMU रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट TRAT, और देन उसके बाद इंटरव्यू होगा, राइट? उसके बाद यहाँ पे है कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है UGC नेट, JRF, वेट, सो यस, नेट, JRF, स्लेट, गेट, टीचर, कोई फेलोशिप है या MPhil, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। रिसर्च फेलोशिप की हम बात करें तो देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफर्स फेलोशिप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं स्कॉलर्स हैं उन्हें प्रोवाइड करेगी। ऑर्डिनेंस हम अभी ओपन करते हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमें ऑर्डिनेंस में मिलेगी। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड अ नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ 2000 मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, ठीक है? तो फीस कितनी है एप्लीकेशन की, इट इज़ ₹2000। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, सो लास्ट डेट इज़ 25th of June 2021, और जो एंट्रेंस टेस्ट है वो होगा 2nd Saturday of July, दैट इज़ 10th of July 2021, राइट? देन यहाँ पे कुछ नोट में चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे जो वेन्यू है, शेड्यूल है, वो सब आपको ईमेल से बताया जाएगा। हॉलीडे होता है अगर सैटरडे को, तो फिर जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे है उस दिन होगा। और यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट देख सकते हैं इनटेक देखने के लिए, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी नहीं।
और यस बस आप वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स, एंड किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स, यहाँ पे दो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, एंड देन यहाँ पे है ईमेल, आप इन्हें मेल भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पे इन केस यू हैव एनी क्वेरी, राइट। तो चलिए हम अब ऑर्डिनेंस ओपन करते हैं, और ये जो लिंक दी हुई है इसे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, इसी लिंक के थ्रू हम ओपन करेंगे। यस, तो देखिए यहाँ से हम पीएचडी ऑर्डिनेंस को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है फोर्थ नंबर पे, ये है नया ऑर्डिनेंस और इसी को फॉलो कीजिएगा आप भी। उसके अलावा जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड और इवन पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड। तो हमने तो अभी फ्लायर देखा, बट आप चाहें तो और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यहाँ ओवरव्यू है ऑर्डिनेंस एंड एसओपी, देन इनटेक ऑफ पीएचडी प्रोग्राम, इसे अभी हम ओपन करेंगे, देन कोर्स वर्क का सिलेबस, एफएक्यूज, फिर अप्लाई कैसे करना है, और ये पूरा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीजें यहां पे गिवन है। तो यस आप इसे देखिएगा, और यहां फी स्ट्रक्चर भी है। तो हम दो चीजें पहले देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यस ऑर्डिनेंस की जिसमें एलिजिबिलिटी है, देन इनटेक, और लास्ट ये फी स्ट्रक्चर, राइट। तो यस चलिए सबसे पहले ऑर्डिनेंस देखते हैं, ऑर्डिनेंस में चलिए ओपन करते हैं तब बताते हैं। यस, तो ये है ऑर्डिनेंस, आप देख सकते हैं रिवाइज्ड है 2021 वाला। सो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है, फेलोशिप का मैंने बोला बट स्पेसिफिकली एक फेलोशिप भी नहीं गिवन है, ये ज़रूर है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से फेलोशिप दी जाएगी, बट बाकी और कुछ भी मेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि आई हैव एक्चुअली सर्च फॉर दिस, तो यहाँ पे फेलोशिप से रिलेटेड सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है दैट रिसर्च फेलो की बात की जा रही है, तो फेलो वो होंगे जो रिसर्च फेलोशिप मिलेगी जिन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है, That's it. और कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है, राइट। तो चलिए अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़ देख लीजिएगा, पेज इसमें ओवरऑल 52 पेजेस है, तो यस हम सारे पेजेस को डिस्कस नहीं करेंगे। एलिजिबिलिटी में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ एज़ यूजुअल, तो आप अप्लाई कर सकेंगे, 7 पॉइंट स्केल में आपका ग्रेड बी के इक्वेलेंट हो, 5% रिलैक्सेशन SC ST एंड OBC NCL और हमारे जो भी स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, एंड यस उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नर्सिंग में अगर आप PhD करना चाहते हैं तो केस में तो आप इसे देख लीजिएगा, एंड यस तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं सारी, आप प्लीज़ इसे एक बार देखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो प्लान है, जैसे एडमिशन टेस्ट होगा उसका क्या प्लान है, आगे का पूरा प्रोसेस, एंड इनफैक्ट जो सिलेबस है वो क्या होगा, वो सारी चीज़ें गिवन है, राइट। तो यस इसीलिए आई सेड या फिर बार बार बोल रही हूँ कि आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। तो हम अब ओपन करते हैं इनटेक को, क्योंकि आई नो आपको सीट कितने हैं वो जानने में इंटरेस्ट होगा, तो चलिए पहले उसी को देखते हैं। तो यस यहीं पे हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन होगा, एंड यहाँ पे यू कैन सी, सो सबसे पहले है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, और डिसिप्लिनस की बात करें तो डिसिप्लिनस में इनटेक, सो केमिस्ट्री में है 29, तो ये लैंडस्केप मोड का इशू है इसलिए बहुत स्क्रॉल वो जूम नहीं हो रहा, तो आप देख लीजिए, सो केमिस्ट्री में 29 है, देन फिजिक्स 30, मैथ्स 14, सिविल इंजीनियरिंग 4, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 8, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6, देन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में ओवरऑल कितनी सीट्स हैं अलग अलग डिसिप्लिन की, तो इसको आप देख सकते हैं, फिर फिजिकल एजुकेशन में 3 है, एजुकेशन में 7 है, फार्मेसी में 44 है, मैनेजमेंट में ओवरऑल 38 है, तो वहाँ पे हमने देखा नहीं था, बट यहाँ पे यू कैन सी 38 सीट्स आर देयर, तो दैट्स वाई आई सेड कि आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा सारी चीज़ों को। फिर यहाँ मेडिकल से रिलेटेड जो है मेडिकल कॉलेज, तो उसमें एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सब में 8 सीट्स हैं, पैरामेडिकल साइंसेज में या बायोकेमिस्ट्री में 8 है, CSE में 7, फाइन आर्ट्स में 4, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, अब एज आई सेड कि हम देखेंगे फी स्ट्रक्चर, तो फी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यस ये है फी स्ट्रक्चर 1/1, सो यहाँ पे सबसे पहले है एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग फीस कितनी होगी, सो इट इज़ 2000, ये एप्लीकेशन फॉर्म वाली फ़ी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम यू हैव टू पे 50,000, रजिस्ट्रेशन के बाद का जो इंस्टॉलमेंट में दिया हुआ है फ़ी कितनी होगी, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट ऑफ फ़ी कितनी होगी, जो लास्ट होगी थीसिस के टाइम वो होगी 30,000, तो उसके बाद एक्सटेंशन फ़ी है 15,000 जो कि हर साल चार्ज्ड होगी, देन लेट फ़ी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो आई नो आप पूछेंगे प्राइवेट है या स्टेट है यूनिवर्सिटी ये, तो देखिए बाकी सारी चीज़ें देखकर यस ये प्राइवेट ही लग रही है, बट इन आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो इसमें ये भी लिखा हुआ है इट इज़ अ
जैन प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी, तो इसलिए अब आप फीस वगैरह देख लीजिए, उसके बाद इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप अप्लाई कीजिएगा। फेलोशिप की कोई गारंटी नहीं है कि कितनी मिलेगी, मिलेगी सिर्फ इतना लिखा हुआ है, बट इसके अलावा कोई भी नॉलेज नहीं है। तो यस, ये था मेरा टेक इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे या इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है उस पे। अब इट्स योर डिस्क्रिशन कि आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ इट, ये था आज का वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।